हेलो व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज चॉकलेट को लेके एक नया रेसिपी बनाते हैं, जो कि चॉकलेट केक बार। एक बर्तन लेंगे जो आपके यूज़ में नहीं आ रहा होगा, उसके बीच में एक स्टैंड रखेंगे, ढक्कन लगा के 10 मिनट प्री हीट पे छोड़ देंगे। एक बर्तन में 3/4 कप दूध लेंगे, जो कि रूम टेम्परेचर पर हो। 1 टीस्पून विनेगर डालेंगे और उसको थोड़ा हिला के छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। अभी ये दूध फट चुका है, कुछ इस तरह से है। 1/2 टीस्पून वेनिला एसेंस, 1/4 कप नॉन फ्लेवर्ड ऑयल, 1/2 कप शुगर, उसको अच्छे से मिला लेंगे। एक छन्नी से हम लोग 1 कप मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर को अच्छे से छान लेंगे। कट एंड फोल्ड मेथड के हिसाब से हम लोग इसको मिक्स कर लेंगे। बैटर को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बैटर को मिक्स करने के बाद कुछ इस तरह से वो रनी कंसिस्टेंसी दिखेगा। एक स्क्वायर टिन लीजिए, उसमें ऑयल डाल के ग्रीस कर लीजिए। बटर पेपर उसमें लगा दीजिए। बटर पेपर के ऊपर भी थोड़ा ऑयल ग्रीस कर लेंगे। अच्छे से उसको टैप करेंगे, जो कि एयर बबल्स निकल जाएं। प्री हीटेड जो कढ़ाई है उसमें हम वो केक टिन को रखेंगे। अभी हम इसमें लीड लगा देंगे। ओवन एंड विदाउट ओवन के लिए मैंने टाइमिंग दिए हैं, उसमें आप फॉलो कर सकते हैं। 35 से 40 मिनट के बाद एक बार चेक करेंगे। अगर आपका टूथपिक क्लियर आता है तो आपका केक बन चुका है। कुकिंग चॉकलेट को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डबल बॉइलिंग मेथड के हिसाब से हम लोग उसको मेल्ट करेंगे। केक ठंडा होने के बाद उसको डीमोल्ड करेंगे। बटर पेपर को अच्छे से निकालेंगे, उसको 2 टुकड़ों में काटेंगे कुछ इस तरह से। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं, आप देख सकते हैं, और उसको इस तरह से काटेंगे। और वो पीस को हम लोग वो मेल्टेड हुआ चॉकलेट में डिप करेंगे, अच्छे से उसको कोट करेंगे चारों तरफ से। बटर पेपर के ऊपर वो केक पीस को हम लोग अच्छे से रख लेंगे। उसके ऊपर से आपके पास कुछ स्प्रिंकलर होगा तो वो डाल सकते हैं। चॉकलेट को सेट होने के लिए फ्रिज में उसको रखेंगे। यहाँ पर हमारा चॉकलेट केक बार रेडी हो चुका है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।